साथियों जय हिंद वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे दोस्तों सेना आयुध को डिपो एओसी के अंदर ट्रेडमैन और फायरमैन की जो वैकेंसी आई है उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो 1749 पदों के लिए वैकेंसी आई है। ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी राज्य से फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म टाइम पे अप्लाई कर लीजिए दोस्तों। इसकी तैयारी करने के लिए आपके लिए दोस्तों हमारी टीम के द्वारा 15 जो मॉडल पेपर सेट क्या दोस्तों यहाँ पर जो 15 मॉडल पेपर सेट है और 15 शॉर्ट मॉडल पेपर सेट पूरे सिलेबस के आधार पर बनाए हुए हैं, जिसके जो मात्र जो हमने चार्ज रखा वो रखा 120 रुपये। कितने रखे दोस्तों? 120 रुपये फुल मॉडल पेपर सेट है। आपको बाकी परचेज करने की जरूरत नहीं है, मॉडल पेपर सेट ये कर लोगे आपके लिए बहुत आसान रहेगा। अब दोस्तों कैसे मिलेंगे? तो दोस्तों मिलने के लिए आप हमें सबसे पहले आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिए दोस्तों 9461401463। ये हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9461401463, इस व्हाट्सएप नंबर पे या फिर ग्रुप के अंदर जुड़ जाएंगे। ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। प्ले स्टोर के अंदर जाना है, डिफेंस एजुकेशन सर्च करना है, इस प्रकार से आएगा। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपका होम पेज आएगा। इस बैच के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना जो एओसी ट्रेडमैन और फायरमैन उसके बाद आप क्लिक करेंगे, उसके बाद एक सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करेंगे तो मात्र 125 रुपये अपने मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ 9461401463। यस 363। देखिए वापस देख लीजिए 9461401463, ये 41 है क्या? 41 वापस देख लीजिए। इस नंबर पे आप जैसे ही करेंगे तो आपके पास OTP चला जाएगा 9461463। इस नंबर पे आप कर लीजिए, OTP जाएगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI से, नेट बैंकिंग से, कहीं से भी पेमेंट आप कर सकते हैं। और इसका PDF फाइल ओनली फॉर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिलेगा। जो स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज को खरीदने के बाद में हमें व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर हमने टेस्ट सीरीज परचेज कर ली, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जोड़ दीजिए, तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको जोड़ दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गजनी ने निम्न में से किस मिंदर पर धावा बोला था? बताइए जल्दी से। यस, धावा किस मिंदर पे बोला था? यस, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर है सोमनाथ। कहाँ दोस्तों? सोमनाथ। सोमनाथ कहाँ है? गुजरात के अंदर। कहाँ है? गुजरात। राइट आंसर गुजरात के अंदर है। कोणार्क उड़ीसा के अंदर। कहाँ दोस्तों? उड़ीसा के अंदर। कहाँ है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, दो नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए आप सभी ने। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? क्या है? कौन सा सही नहीं है? दो नंबर प्रश्न, पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी पहले। भैया पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी, उसके बाद में अल जो जिन्ना था, पाकिस्तान का जिन्ना, नाम सुना होगा जिन्ना, उसने कहा था भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, उसके बाद में भारत को दो राष्ट्रों में बांटा गया। राजा राम मोहन राय संस्थापक, बताइए राजा राम मोहन राय प्रार्थना समाज, प्रार्थना सभा की, ब्रह्म समाज की, रामकृष्ण मिशन के, या फिर आर्य समाज के? तो राइट आंसर ब्रह्म समाज। क्या है दोस्तों? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। प्रियदर्शी, अशोक को विश्व का महान शासक माना जाता है, क्यों? कारण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये बौद्ध धर्म से अशोक है, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है देखेंगे। इनका शासन नैतिकीय अर्थशास्त्र का पर आधारित है। इसका जो धर्म का संकेत था शासन, नैतिक जो जो शासन करने का जो उत्तरदायित्व, तो भली बातें समझता, जनता के कल्याण के लिए करता था। चोल शासकों की आय का प्रमुख साधन क्या है? चुंगी कर, क्या है? टैक्स लगाते थे। क्या लेते? टैक्स लगाकर कार्य करते थे। दिल्ली में स्थित महरौली, क्या है? महरौली अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? ये जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। सॉरी, निम्न में से कौन सी रुधिर कणिकाएं रुधिर स्कंद के उत्तरदायित्व होती है? आठ नंबर प्रश्न, बिंबाणु किसके लिए दोस्तों? बिंबाणु के लिए। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से इनका विकास का क्रम संयोजित है। सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आपको
जैसे क्रम बताया जा रहा है वैसे के वैसे क्रम के अनुसार आपको जमा करना है। देखिए सबसे पहले आएगी भैया कोशिका, क्या आएगी कोशिका, कोशिका के बाद में आएगा उत्तक, उत्तक के बाद में आएगा अंग, अंग के बाद में आएगा तंत्रिका तंत्र, उसके बाद आएगा जीव। अब ये चार लास्ट में कितने, तो ये ऑप्शन कट गया, चार के बाद फिर तीन, ये तो कट गया। ये देखिए ये सबसे पहले दो नंबर ये हो गए, 2 5 1 तेरा, ये हो गया राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। शरीर का विकास बढ़ने के लिए, यस अगला देखेंगे। हाल ही में भारतीय निर्वाचित आयोग ने किस राज्य की जनक पार्टी, जनता पार्टी, जनक जनता पार्टी को दर्जा दिया गया है, बताइए कर्नाटका, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। क्या बात है भैया, चलिए 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जी हरियाणा। क्या है हरियाणा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, कर्नाटका की बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश की लखनऊ और तमिलनाडु की चेन्नई। क्या तमिलनाडु, क्या चेन्नई, देखिए मार्स गैस कौन सी है, मार्स गैस 11 नंबर प्रश्न, CH4, क्या CH4, क्या CH4, CH4। अगला देखेंगे, संगम काल के प्रसिद्ध बंदरगाह पुहार, क्या है पुहार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, पुहार, कावेरीपट्टनम, क्या कावेरीपट्टनम के नाम से जाना जाता है, कावेरीपट्टनम किसके नाम से, कावेरीपट्टनम। अगला देखेंगे, 1829 में पारित सती प्रथा कानून के लिए नियम में यह कहा गया है कि विधवाओं को जीवित जलाना अपराध है, यस यस। देखिए कौन से नियम की बात हो रही है, यह 17 नियम नंबर 17 के अंदर लिखा हुआ है, अखिल भारतीय कांग्रेस के वास्तुदूत माना जाता है, अखिल भारतीय कांग्रेस के बारे में पूछा गया है, 14 नंबर प्रश्न। बी एओ होम, क्या है एओ होम, एओ होम को माना जाता है, एओ होम को माना जाता है। नेक्स्ट, माउंटेन बैटन ने किस वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा, देखिए माउंट बैटन ने किस व्यक्ति को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा, चलिए 15 नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी को कहा, किसे कहा दोस्तों, महात्मा गांधी को कहा। निम्नलिखित में से मानव हृदय के कौन से भाग में शरीर का ऑक्सीकृत बंद होता है, यस ऑक्सीजन जो अपना, देखिए हृदय के अंदर एक तो ऑक्सीजन आता है एक रक्त जाता है, ऑक्सीजन दोनों आले दाएं वाले अनिल नीले दाएं बाएं अनिलिंद या फिर नीले, बी ऑप्शन नंबर बी। देखिए पत्तियों की सतह पर छेद के समान संरचना जिसमें गैस पत्तियों के अंदर वह बाहर जा सकती है, अंदर बाहर जा सकती है, 17 नंबर प्रश्न, रसकंद ऑप्शन नंबर एक। परम शून्य ताप निम्न में से कौन सा परिघटित है, 18 नंबर प्रश्न। गैसों में अणुगति समाप्त हो जाती है, मॉर्निंग स्टार, सुबह का तारा किसे कहा जाता, मॉर्निंग स्टार, शुक्र को किसे कहा जाता, शुक्र को कहा जाता, किसे कहा, शुक्र को कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त
स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के सर्वाधिक लाभ जमींदारों को किससे होता था? जमींदारों को होता था। पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी खाली जगह में पाए जाते हैं। 21 नंबर प्रश्न। यूरोप के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? यूरोप के अंदर पाए जाते हैं। प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? प्रमुख दक्षिणी पश्चिम, दक्षिणी और पश्चिम, ये वाला भाग इस क्षेत्र के अंदर कौन सा तेल है? फ्रांस की खाड़ी के, कौन सी फ्रांस की खाड़ी? सर्वेक्षण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? सर्वेक्षण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। डंकन पैसेंजर, डंकन किन किन के बीच है? दक्षिण और लिटिल अंडमान। क्या है? दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। दोस्तों ये सवाल पूछा इंजीनियरिंग चैन, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एओसी की तैयारी करें उनके लिए पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आपके जो जब लंबाई मापते हैं इसमें ये इंजीनियरिंग चैन काम आती है। 25 नंबर प्रश्न। 60 फीट होती है, कितनी फीट? 60 फुट होती है। विषुवतीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा हुई? विषुवतीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? 26। वाहनिक, कौन सी वर्षा? वाहनिक वर्षा होती है। अधिकतर जनसंख्या 23 डिग्री 1/2 अक्षांश में 40 डिग्री अक्षांश के बीच होती है। 27 नंबर प्रश्न। ये अक्षांशियों से संबंधित है या कि जो जलवायु है उनके उपलब्ध के बारे में पूछा गया? जलवायु से संबंधित है। त्वचा की बाह्य परत को क्या कहते हैं? हमारे शरीर की जो त्वचा है, त्वचा की बाह्य परत को हम क्या कहते हैं? 29। बाह्य त्वचा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा कहा जाता है। निम्न में से किसे प्रणहरित पाया जाता है? प्रणहरित, यस, ऑप्शन नंबर बी सेवाल। किसके अंदर? सेवाल के अंदर पाया जाता है। निम्न में से कौन सी अस्थियां बाह्य में पाई जाती हैं? अस्थियों के बारे में, अस्थियां बाह्य भुजा बाहें में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी रेड, यस। क्या? रेडिस, रेडिस पाई जाती है। फीमर जांग के अंदर पाई जाती है। जांग, फीमर कहाँ पाई जाती है? जांग के अंदर पाई जाती है। जनसंख्या के संदर्भ में प्रयुक्त पद लिंग अनुपात का सही विवरण निम्न में से कौन सा है? 32 नंबर प्रश्न। बी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ऑप्शन नंबर बी। भारत का संविधान कैसा संविधान है? भारत का संविधान कैसा संविधान है? 33 नंबर प्रश्न। धर्म निरपेक्ष है, कैसा है दोस्तों? धर्म निरपेक्ष है। शरीर का वह तंत्र जो आधार एवं गति प्रदान करता है, 34 नंबर प्रश्न। 34 34 34। कंकाल तंत्र, कैसा तंत्र? कंकाल तंत्र। देखेंगे दोस्तों डीएनए, फिगर प्रिंटर एंड डायलोसिस का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, बताइए जल्दी से। पैंतीस नंबर प्रश्न। हैदराबाद के अंदर स्थित है, और हैदराबाद ध्यान रखना दोस्तों मुंशी नदी के किनारे, किस नदी करे? मुंशी नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता है हुगली नदी, कौन सी? हुगली नदी। ये दोनों सवाल पूछे गए, और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है आपके एग्जाम के अंदर, मात्र 100, आपकी जो फॉरम फीस है उससे भी कम रेट में आपको मिल रहा है, उससे भी कम रेट के अंदर आपको देखने को मिलता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें 94 61 041 363 पे कॉल करें, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप जुड़ जाएंगे, वहाँ पर पीडीएफ फाइल आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों इस प्रकार से आपको करना है, डिफेंस एजुकेशन को डाउनलोड करना है, इस बैच के ऊपर क्लिक करना है, सब्सक्राइब करना है, पेमेंट पेटीएम कर सकते हो, यूपीआई कर सकते हो, उसके बावजूद नहीं होना तो आप हमें 94 61 041 363 इस नंबर पे, फोन पे, गूगल पे कर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हो, और पेमेंट करने के बाद में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जरूर जुड़े। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।